हेलो लर्नर्स, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। आप लोग के सामने एक स्टैक डेवलपमेंट का वर्कशॉप सेशन मैंने ला रहा हूँ, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही सारा चीजें आपको जानने में और देखने में मिल सकता है। तो अभी चलते टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत सारा है। मैं जो कोर्सेस यहाँ पे आप लोगों के साथ कॉन्डक्ट करेंगे इस सेशन के दौरान, वो होगा डेफिनेटली वेबसाइट डिजाइन विथ HTML, CSS, Bootstrap। वेबसाइट का जो Bootstrap जो है वो टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग एकदम नया से स्टार्ट करने वाले कॉलेज स्टूडेंट जो लोग हैं, उन लोगों को भी दिमाग पे रख के मैं ये सेशन स्टार्ट किया। हम लोग जब Bootstrap में एक टेम्पलेट डिजाइन कर लेंगे, उस टेम्पलेट डिजाइन को हम लोग इंटीरियर करेंगे एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क के साथ और व्यू जेएस के साथ। तो ये तीनों चीज एक अलग अलग फ्रेमवर्क है। उसके बाद हम लोग जो एंगुलर, रिएक्ट और व्यू जेएस जो काम करेंगे उसको बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के ऊपर मैं बात करूंगा। नोड जेएस बेसिकली एक सर्वर साइड एनवायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे हम लोग एक सर्वर साइड एप्लीकेशन चला सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेनली फ्रंटएंड के लिए यूज होता है, बट नोड जेएस की वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बैकएंड का जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है उसको एक अच्छा सा एप्लीकेशन शेप देता है एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, जो मैंने यहाँ पे ओनली एक्सप्रेस लिखा था। तो एक्सप्रेस जेएस के थ्रू ये एक्चुअली बैकएंड का शेप मिलता है, और बैकएंड का जो शेप मिलता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट जो करेंगे उस पे MySQL और MongoDB ये काम करता है। तो MySQL और MongoDB से हम लोग काम करेगा, इसीलिए ये रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो लाइव सेशन है इसको आगे देखना और इसका जो कंटेंट होगा, जो मैं लाइव कंटेंट में डालने वाला हूँ, आप लोगों को मिले, तो आप फॉलो कर सकते हो app.learner.com में साइन अप करके, जहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल सकता है। तो अभी चलते हैं कोडिंग के अंदर, मतलब जैसे कि हम लोगों का अभी का जो टारगेट है। पहला काम स्टार्ट करना चाहता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग से। तो उसके लिए पहले डिजाइनिंग स्टार्ट करेगा, तो डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज की जरूरत पड़ता है। पहला चीज है एक कोड एडिटर। उसके लिए हम लोगों को code.visualstudio.com में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोड एडिटर है, इस कोड एडिटर को आप यूज करिए, जहाँ पे ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए एक काफी ज्यादा यूजेबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये कोड एडिटर मिलेगा, और ये कोड एडिटर किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये कोड एडिटर इंस्टॉल हुआ है। मैं पहले एक डिजाइन बनाने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो डिजाइन फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, जिस पेज का नाम देता हूँ index.html बोलकर एक पेज मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पे HTML पेज क्रिएट करने के बाद जब स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे HTML बोलकर लिखे गए, तो यहाँ पे तुरंत कुछ सजेशंस दे देता है कोड एडिटर के थ्रू, जिससे क्या होता है कुछ कोड हम लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोड डायरेक्टली आ जाता है। यहाँ पे दिस इज माय, तो बेसिक वेब पेज बोलकर मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि ये HTML टैग है, H1 टैग HTML है, और इस HTML टैग को यूज करके मैंने यहाँ पे एक प्लगइन मैंने यूज किया, जिससे ये पेज लाइव सर्वर में दिख रहा है। तो अभी टैग का जो डिजाइन दिख रहा है, इसको आगे जाके कैसे हम लोग कलर करेंगे। तो ये हो गया एक बेसिक HTML पेज। तो कलर करने के लिए यहाँ पे स्टाइल बोलकर एक HTML टैग होता है, जिस टैग के अंदर मैंने यहाँ पे कलर डालना चाहता हूँ। तो कलर बोलकर यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली CSS प्रॉपर्टी है, ये कलर CSS प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे कलर डालता हूँ। रेड बोलकर यहाँ पे रेड कलर सेट कर दिया। तो रेड कलर सेट करने के बाद यहाँ पे जो कलर है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे जो कलर सेट हो चुका है, तो ये बेसिकली एकदम बेसिक CSS कलर मैंने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट कंटेंट को अगर सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन बोलकर एक CSS प्रॉपर्टी है, जो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता है। इस टैग को सेट करने के बाद चाहता हूँ कि ये जो CSS स्टाइल टैग जो है, ये CSS स्टाइल टैग है मेनली ऑन पेज CSS, बट इस ऑन पेज CSS को हम लोग और एक तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो CSS प्रॉपर्टी है, इस CSS प्रॉपर्टी को इनलाइन CSS प्रॉपर्टी में भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है स्टाइल टैग। स्टाइल जो है ये टैग नहीं है, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट है जिस एलिमेंट के ऊपर लिखे गए। तो यहाँ पे अगर CSS एलिमेंट पे मैं कलर यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ग्रीन। ग्रीन अगर डालेंगे तो ग्रीन के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, कलर ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि जो भी कलर हम लोग इनलाइन पे डालेंगे वो पहले प्रायोरिटी में आता है, उसके बाद ऑन पेज में आता है, और अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल CSS के साथ लिंक करेंगे तो वो बाद में जाके आता है। एक्सटर्नल CSS प्रॉपर्टी अगर डालना है तो यहाँ पे
स्टाइल डॉट सी एस एस बोलकर यहाँ पे सी एस एस प्रॉपर्टी डाल देंगे। इस प्रॉपर्टी को डालने के बाद कलर जो है मतलब यहाँ पे जो स्टाइल टैग मैंने जो डाला था इसको मैंने यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे से कट अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टैग था ये टैग नहीं होने के वजह से यहाँ पे सेंट्रलाइज जो पार्ट है वो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो सी एस एस प्रॉपर्टी था ये सी एस एस प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से यहाँ पे सेंट्रलाइज पार्ट यहाँ पे है नहीं। बट मैंने सी एस एस जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा था उसको मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने डाल दिया। तो ये डालने के बाद यहाँ पे मैंने इस स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ मैंने यहाँ पे लिंक करता हूँ जिससे वो स्टाइल जो पेज है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एच आर डी एफ हेडर रेफरेंस इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को मैंने लिंक कर रहा हूँ। बट यहाँ पे लिंक करने के बाद ये टैग को मैं ऐसे ही बंद कर सकता हूँ जिससे ये पेज लिंक हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस तरह लिखने से ये काम कम्प्लीट नहीं होता है। इसके साथ और एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है रेल। रेल में यहाँ पे लिखना पड़ता है स्टाइल सीट। स्टाइल सीट लिखने के बाद यहाँ इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को, तब जाके क्या होता है वो स्टाइल सीट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे रेड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे टेक्स्ट लाइन जो सेंटर था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है एचटीएमएल और सीएसएस को एक साथ में काम करने का जो प्रोसीजर। तो ये एकदम सा बेसिक सा चीज है जो कि हम लोग एक पेज जब डिजाइन करते हैं इस पेज को किस तरह डिजाइन करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने दिखाया। और इसके ऊपर अगर आप इन डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट पे लिख सकते हो। डेफिनेटली इसके एक इन डिटेल्स एक वेबसाइट डिजाइन कैसे बनता है और उसका प्रोसीजर क्या है उसका मैं वीडियो दे दूंगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि एक टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोगों को कौन सी और चीज की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फाइल की जरूरत पड़ेगा। एक्सटर्नल फाइल मतलब जहाँ से मैं थोड़ा रेडीमेड डिजाइन लेके हम लोगों का जो भी वेबसाइट का जो डिजाइन होता है उसको अच्छी तरह से आसानी से कर सके। getbootstrap.com ये एक साइट है। यहाँ पे जो साइट का जो डिजाइन दिख रहा है ज्यादा गॉर्जियस भी नहीं है, ज्यादा सिंपल भी नहीं है, बट अट्रैक्टिव है, जहाँ पे मैंने अपना जो साइट का जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो डिजाइन मैं कर सकता हूँ वो डिजाइन मैंने यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड जाएगा। तो गेट स्टार्टेड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक में सीएसएस लिंक और जेएस लिंक ये दोनों लिंक मिलेगा। ये जो सीएसएस लिंक है इस लिंक को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो अपना जो स्टाइल शीट मैंने यहाँ पे लिखा था उस स्टाइल शीट के ऊपर मेरे वो जो लिंक मैंने कॉपी किया था getbootstrap.com से उस लिंक को मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसके साथ क्या होता है, बूटस्ट्रैप 5 में काम करने के लिए और एक चीज की जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का डिजाइन को बंडल में ले जाके मैंने यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों लिंक डालने के बाद हम लोगों का जो एक्चुअल फॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, जिससे हम लोगों का जो डिजाइन है वो डिजाइन थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा है। इस डिजाइन को और भी बेहतर करके इसको एक शेप में देने के लिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ कि कंपोनेंट्स बोलकर एक ऑप्शन है, जिस कंपोनेंट ऑप्शन पे मैं जाके इस डिजाइन को मैं करना चाहूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे टैब बार यहाँ पे मैं डालूंगा, इस नेबर ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जो भी डिजाइन है इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी ऑप्शन से लेकर डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको डायरेक्टली एक पेज के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। तो जब भी मैंने इसको डाल दिया, डालने के बाद मैं जाता हूँ अभी पेज के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन चाहिए था उसके हिसाब से यहाँ पे डिजाइन दिखने लगा। तो यहाँ पे टॉप मेनूबर का जो डिजाइन है वो यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा कलरिंग चेंज करना। तो यहाँ पे मैं एक कलर ऑप्शन यहाँ पे रहता है जो कि नेबर डार्क बोलकर, तो नेबर डार्क और बीजी डार्क ये दो ऑप्शन अगर रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कलर का जो पार्ट है नेबर का वो कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे जो डिजाइन चेंज हुआ है इस डिजाइन के थ्रू यहाँ पे ये डिजाइन दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे जो डिजाइन दिख रहा है इस डिजाइन के साथ मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ साइट का नेम देना। तो यहाँ पे माई वेबसाइट बोलकर यहाँ पे मैं साइट का नेम दे रहा हूँ। साइट का नेम देने के बाद यहाँ पे डिजाइन का जो आउटपुट है वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल पार्ट में अगर कुछ बैनर या कुछ अच्छा सा लिखा दिखे तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन में डालता हूँ जहाँ पे रोटेट बैनर मिले। तो रोटेट बैनर देने के लिए यहाँ पे मैं इस कैरोसेल ऑप्शन को यूज करते हैं जिससे ये जो डिजाइन है ये अच्छे से दिखने लगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस कैरोसेल पार्ट को मैं अभी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे जब कैरोसेल लगे तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ जिससे क्या है इस सेक्शंस को समझने में आसान हो। तो बी एन एन ईयर बैनर स्टार्ट टेड बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन है और यहाँ पे
एंड बैनर बोलकर यहाँ पे और एक ऑप्शन दिखा है जो कि मैं यहाँ पे दिया। तो अभी इसको देने के बाद सेव करने के बाद यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का इमेज तो है नहीं। अभी हम लोग इसको गूगल से बैकग्राउंड इमेज करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिससे एक कुछ बैकग्राउंड इमेज मिल जाए। तो इसको ओपन इन न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड इमेज मिल गया। तो इस बैकग्राउंड इमेज को अभी फिल्म में डाल देता हूँ तो लगभग एक जैसा फील आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा बैनर भर चुका है। अभी इस बैनर वाला पार्ट में थोड़ा बहुत हाइट को मैं मेंटेन कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 300, हाइट 300 मतलब 300 पिक्सल। तो यहाँ पे तीनों जगह पे एक्चुअली पिक्सल 300 में एक हाइट सेट कर देता हूँ जो कि कुछ लगभग इस तरह दिखता है। इसके अलावा अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पेज के अंदर डिजाइन डालना। मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मिडिल कंटेंट और राइट साइड पर का डिजाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिजाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप में बहुत अलग अलग तरीके का डिजाइन बनाने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अभी यहाँ पे पेज कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे पेज का डिजाइन में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिप क्लास करके यहाँ पे कंटेनर, तो पेज के जो डिजाइन स्टार्ट करने के लिए कुछ CSS क्लास यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ये जो CSS क्लास है, क्लास बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन बिल्ड करता है जिससे हम लोगों को डिजाइन स्टाइल्स लिखा हुआ रहता है जो CSS से आता है, वो CSS पहले से लिखा हुआ रहता है बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप का जो CSS है वो एक क्लास के साथ डिफाइन किया गया है और यहाँ पे हम लोगों का जो डिजाइन है वो डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो पहले यहाँ पे जो क्लास का जो डिजाइन हम लोग बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम के प्रोसेस में काम करते हैं जहाँ पे पहला काम होता है कि कंटेनर पहले कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्लास होता है वो होता है रो, और रो के बाद यहाँ पे हम लोग तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तीन कॉलम में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्लास नेम कॉल करके यहाँ पे टोटल जो कॉलम लेंथ होता है वो होता है 12 कॉलम लेंथ, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है एज पर डिजाइन वाइज। तो अगर हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो 3x4 मतलब 12 होता है टोटल। तो यहाँ पे लेफ्ट पर डिजाइन के बाद यहाँ पे राइट साइड में डिप क्लास कॉलम 4, ये मिडिल डिजाइन मिडिल पर MIDDLE मिडिल पर डिजाइन, लास्ट में राइट पर डिजाइन, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ जो मैंने लिखा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे तीन अलग अलग डिजाइन ऑप्शंस यहाँ पे बन चुका है। अभी ये जो सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे दिखा है, इस ऑप्शंस के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर डाल देगा तो बेहतर होगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ येलो, दो साइड में मैं येलो कलर देता हूँ जो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे येलो कलर देने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंटेंट जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे लेफ्ट पर डिजाइन और राइट पर जो डिजाइन है, इसका स्पेसिंग मिल रहा है, वो देखने में मिल जा रहा है। बट हम लोग चाहते हैं कि ये तीनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं। तो इसको इक्वल नहीं रख के थोड़ा मिडिल वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा दिखे और दोनों अलग अलग साइड पे जो डिजाइन है वो थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे इस डिजाइन को 3 और यहाँ पे 3 ये करेंगे तो क्या होगा, टोटल मिला के 6 हुआ और रेस्ट ऑफ द 6 मतलब जो मिडिल पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द 6 है। तो यहाँ पे मिडिल वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ चुका है। ऐसे ही हम लोग इसका जो डिजाइन स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेनली मेन कॉन्टेंट पार्ट बोलकर यहाँ पे इस सेक्शन का जो डिजाइन है वो मैं दिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेन कंटेंट पार्ट का जो डिजाइन मैंने यहाँ पे डाला, इस डिजाइन को किस तरह हम लोग दिखाएंगे और ये कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पे हाइट तो कुछ अभी है नहीं, वैसे यहाँ पे एक हाइट डाल देता हूँ, यहाँ पे हाइट होगा 400 पिक्सल, यहाँ पे भी मैं 400 पिक्सल का हाइट डाल देता हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है जो लोग न्यू कमर है, बोल सकते हैं कि पेज का डिजाइन का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये अगर कवर हो जाता तो अच्छा होता था, या ये मिडिल में क्यों है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मिडिल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेनर जो क्लास यहाँ पे यूज किया है, ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी एक सेगमेंट सेट है। हम लोग वेबसाइट पेज जो डिजाइन करते हैं, वेबसाइट पेज को हमेशा पेज के सेंटर में दिखाना चाहिए, जिससे क्या होता है पेज का जो लुकिंग है देखने में बढ़िया होता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर फुल विड्थ डिजाइन करना, तो इसीलिए यहाँ पे कंटेनर टू विड्थ FLUID टू विड्थ बोलकर एक ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है ये पूरा स्क्रीन में फैल जाता है, जिससे ये भी डिजाइन काफी अच्छा बढ़िया लगता है। बट ये सैंपल पेज का जो डिजाइन होगा, ये धीरे धीरे करके हम लोग एक पोर्टल साइट का डिजाइन करेंगे। पोर्टल साइट मतलब जहाँ पे हम लोग किसी क्लासिफाइड एड्स प्रमोट कर सकते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट
डिजाइन टाइप का कुछ प्रोजेक्ट हम लोग करना चाहे तो ये हम लोग कर पाएंगे इसी डिजाइन के थ्रू, और उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आ जाता है तो यहाँ पे फुटर बोलकर एलिमेंट होता है। इस फुटर एलिमेंट के अंदर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे कंटेनर डाल सकते हैं, डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर डाल के फिर से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऊपर में जो सेक्शन सेट किए थे उसी हिसाब से सेम यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिव क्लास वॉल 4, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं डेवलप बाई, अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे डिव क्लास कॉल 4 करके यहाँ पे डाल सकते कि कॉपीराइट बाई mywebsite.com, और राइट सेक्शंस पे यहाँ पे लिख सकते डिव क्लास कॉलम, यहाँ पे बिफोर डालते हैं, बट यहाँ पे मेनली क्या होगा डिजाइन बाई अपना नाम डाल देता हूँ। तो ये जो डिजाइन मैंने बनाया वो सारे डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे जो मैंने ये कॉलम जो पार्ट दिया है कि सही तरीके से नहीं दिख रहा। तो ये नहीं दिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो भी डिजाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हूँ तो इस डिजाइन को रो बोलकर जो क्लास है इसके अंदर ये सारे डिजाइन को यहाँ पे डालना होगा, तब जाके ये सही तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये डिजाइन यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे ये जो डिजाइन है ये थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सेट करना होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन डालना होगा जिससे यहाँ पे जो कॉन्टेंट है वो मिडिल से सेंटर में आ जाता है, और जो राइट वाला कॉन्टेंट है तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करके राइट बोलकर एक ऑप्शन होता है जो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो डिजाइन है वो यहाँ पे राइट साइड में चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो फुटर जो बना था उस फुटर का बैकग्राउंड कलर देना है। यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लिखकर ही मैं अभी काम इसको खत्म करता हूँ, अच्छा लगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक ही डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक करने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे जो कॉन्टेंट लिखा हुआ है वो दिखेगा नहीं, वो कॉन्टेंट दिखे तो इसीलिए क्या है यहाँ पे कलर जो है वो कलर व्हाइट करना होगा, तब जाके कॉन्टेंट है वो दिख रहा है। अभी इसको पैडिंग डाल के इसका डिजाइन थोड़ा अच्छे से इस बार दिखाते हैं। डिजाइन जो है वो 30 पिक्सल करता हूँ, 30 पिक्सल में थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगेगा, बट इस बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है इसको और भी बेहतर करेंगे। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि इसको और भी बेहतर तरीके से सीखना और बेहतर प्रोसेस में सीखना तो डेफिनेटली आप लोग हम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करिए। तो यहाँ पे app.learner.com में जाके आपको रजिस्टर करना होगा, जहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा लर्निंग कराया जाएगा। तो यही रहा हम लोगों का ट्यूटोरियल सेशन।